तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू दिस गाइस, जिन्होंने किसी ने तो कमेंट किया था ओरिजिन ऑफ वेनम लाओ, किसी ने कमेंट किया था ओरिजिन ऑफ कार्नेज लाओ, और किसी ने कमेंट किया था दोनों का बीच बैटल लाओ। तो मैंने सोचा वेनम वर्सेस कार्नेज कर लेते हैं, तो वीडियो में तीन चीज़ें एक वीडियो में आ जाएगा। तो इसलिए आज का टॉपिक है वेनम वर्सेस कार्नेज, जहाँ पे मैं दोनों का ओरिजिन और उनके बीच अगर बैटल हुआ तो कौन जीतेगा वो भी बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन फर्स्ट कैरेक्टर वेनम। तो वेनम को स्लाइटली डिफरेंट वर्शन का दिखाया गया है इन द मूवीज, ठीक है, रैदर देन द कॉमिक वर्शन। मतलब कॉमिक वर्शन में जो वेनम या फिर जो एडी है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर एडी का जो मेन मोटिव था वो था पीटर के ऊपर रिवेंज लेना, क्योंकि पीटर पार्कर की वजह से वेनम यानी कि एडी ब्रॉक का जो करियर है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, और इसीलिए एडी हमेशा पीटर पार्कर के ऊपर रिवेंज लेना चाहता था, जो कि हमें सोनी के अंडर जो वेनम मूवी आया था वहाँ पे नहीं दिखाया गया था। तो इसको आप रिलेट कर पाएंगे सैम रेमी का जो स्पाइडरमैन 3 आया था वहाँ से। तो उस मूवी में एडी ब्रॉक को जैसे सिम्बियोट मिला था, वैसे सेम टू सेम कॉमिक्स में भी एडी ब्रॉक को अपना वेनम सिम्बियोट मिलता है। तो जब पीटर पार्कर वेनम सिम्बियोट को रिजेक्ट कर रहा था उस चर्च में, तो उसी मोमेंट पे एडी ब्रॉक भी उस चर्च में मौजूद था, और जब पीटर पार्कर ने वेनम सिम्बियट को रिजेक्ट कर दिया वो जाके बॉन्ड हो गया एडी ब्रॉक के साथ, और ऐसे जन्म होता है वेनम का यानी कि एडी ब्रॉक होस्ट के साथ। तो अब बढ़ते हैं द ओरिजिन ऑफ कार्नेज की तरफ। तो कार्नेज का ओरिजिन कैसे होता है? तो अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स, एक प्रिजन में, एक ही सेल में एडी और क्लेटस कैसिडी बंद होते हैं, और फाइनली वेनम सिम्बियट वहाँ पे आता है एडी को बचाने के लिए, और वो एडी के साथ बॉन्ड होता है और वो प्रिजन तोड़ के भाग जाता है। पर उसी दौरान एक छोटा सा पार्ट या फिर ऑफस्प्रिंग वहाँ पे वेनम का रह जाता है उस प्रिजन में, और वो क्लेटस के साथ बॉन्ड हो जाता है और कार्नेज का जन्म होता है। तो अगर कार्नेज वेनम से हुआ तो वो इतना अलग क्यों है वेनम से? तो जो चीज़ वेनम और कार्नेज को अलग बनाता है वो है उन दोनों के होस्ट का मेंटालिटी। तो जहाँ पे एडी और वेनम को हम दो अलग कैरेक्टर, दो अलग पर्सनालिटीज़ मानते हैं, वहीं पे कार्नेज और क्लेटस कैसिडी का बात कुछ और है। वो दोनों को हम एक ही पर्सनालिटी समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों का मेंटालिटी पूरा सेम है। दोनों मर्डर करने या फिर किल करने में बहुत ही ज़्यादा उनको मज़ा आता है। तो वो मतलब कार्नेज एकदम सीधे शब्दों में एकदम सैडिस्टिक है इन नेचर, काफ़ी खतरनाक है, और यही बात क्लेटस कैसिडी और कार्नेज को एक ही पर्सनालिटी बनाता है। तो ये था दोनों का ओरिजिन। अब आते हैं दोनों के, मतलब मैं पावर्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिम्बियोट्स का जो पावर्स है वो हर एक सिम्बियोट में ज़्यादातर जो पावर्स है वो कॉमन है। तो ऐसे अगर हम टैली करेंगे तो विनर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे एक अलग सा पॉइंट रखेंगे जो कि है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बोलने का मेरा मतलब है कि कौन अपने सिम्बियोट को लेके ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कौन ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे वेनम और एडी दोनों ही क्लेटस कैसिडी और कार्नेज से काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। वो क्यों बताता हूँ। तो हमने फिल्म में देखा था कि एडी वेनम को बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल करता है, और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप में है, और मतलब एक दूसरे के साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल है बैटल के दौरान, और बैटल के दौरान ना होते हुए भी, मतलब नॉर्मल टाइम में और बैटल के वक्त भी। तो यू ये क्यों वैरी करता है, मतलब ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, सिंपली क्योंकि एक सिम्बियोट का पावर उसका होस्ट के ऊपर भी उतना ही डिपेंड करता है जितना खुद के ऊपर। मतलब उसका सिम्बियोट या उसका होस्ट जितना स्ट्रांग होगा वो सिम्बियोट भी उतनी अच्छे से स्ट्रांग होगा, उतने अच्छे से फाइट कर पाएगा, ये बात हम नॉर्मली जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला था इन द मार्वल नाइट स्पाइडरमैन इशू 8 में, जहाँ पे वेनम एक वीक इंसान के साथ, एक पैथेटिक होस्ट के साथ बॉन्ड होता है जिसका नाम था एंजेलो फॉर्च्यूनाटो। तो क्योंकि वो एक कमज़ोर होस्ट था तो वेनम उसके साथ ठीक तरीके से बॉन्ड नहीं हो पाया और स्पाइडरमैन के हाथों आसानी से डिफीट हो गया। उसके बाद वेनम उसके शरीर को छोड़ दिया और वापस एडी के पास आ गया। तो ये एक सिंपल बात है। और अगर यहाँ पे हम कार्नेज का बात करें तो कार्नेज और कैसिडी, जैसे कि मैंने बताया, एक ही मतलब पर्सनालिटी है। उन दोनों का काम ही है किल करना, मतलब एज ए सीरियल किलर जो काम होता है, मर्डर करना, तबाही मचाना, ये वो। तो कार्नेज का जो मेंटालिटी है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, मारना, मार कट करना, जो कि
उसे पावरफुल भी बनाता है, पर ये उसका एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि उसका सिर्फ मोटो एक ही है और वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो वो दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाता, मतलब वो इनोवेटिव नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर एक साथ वेनम के मेंटालिटी और उसके स्टेबल होस्ट और एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस को कार्नेज के सामने लाए तो यहाँ पे फुल पॉइंट जाता है वेनम को। तो इस बैटल में जीतेगा वेनम क्योंकि इस वजह से। पर वेट वेट वेट, अभी भी एक पॉइंट बाकी है जो फाइनल रिजल्ट को अफेक्ट करेगा, और वो लास्ट पावर, मतलब लास्ट जो पॉइंट है वो है पावर्स एंड एबिलिटीज, जो कि मैंने बोला था नहीं बताऊंगा, पर उसके बिना ये डिबेट या फिर ये बैटल ख़त्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं कुछ कॉमन फैक्टर्स या फिर कॉमन पावर्स के बारे में जो कि दोनों के पास ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड रैपिड हीलिंग फैक्टर। दूसरा है वेबिंग, शेप शिफ्ट एंड दे कैन ऑल्सो क्रिएट कॉन्स्ट्रक्शंस, या फिर वो किसी भी चीज़ को कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लेड्स, टेंड्रिल्स या फिर शील्ड्स अपने आप में, मतलब जैसे आप जानते हैं सिम्बियोट्स करते हैं अपने बॉडी के साथ, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और इन दोनों का ही या फिर हर एक सिम्बियोट्स का जो वीकनेस है वो है हाई रेंज साउंड्स या फिर हाई पिच साउंड्स, जो कि 4000 से 6000 हर्ट्ज़ के बीच में है, और हाई पिच साउंड के साथ साथ एक्सट्रीम हीट या फिर फायर। पर यहाँ पे अब आते हैं दो मेन डिफरेंस की तरफ जो कि वेनम का नहीं है बट कार्नेज के पास है, वो है दोनों के पास तो टेंड्रिल्स है पर दोनों अपने टेंड्रिल्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीके से। जहाँ पे वेनम अपने टेंड्रिल्स को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को ग्रैब करने के लिए या फिर पकड़ने के लिए या फिर स्विंग करने के लिए, वहीं पे कार्नेज अपने टेंड्रिल्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं किसी भी वेपन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपने हिसाब से, मतलब वो अपने टेंड्रिल्स से चाहे किसी भी तरह के वो वेपन बना सकता है, किसी भी तरह के प्रोजेक्शन को वो अपने एनिमी के सामने प्रोजेक्ट कर सकता है, जस्ट लाइक रायट, मतलब रायट जैसे अपने हाथों से अपने बॉडी से किसी भी वेपन को कंस्ट्रक्ट करता है वैसे कार्नेज भी कर सकता है, जो कि वेनम तो कर सकता है पर ज़्यादातर करता नहीं। और दूसरा है जो वेनम नहीं कर सकता बट कार्नेज कर सकता है, वो है लोगों को पोजेस करना, मतलब वो भूत वाला पोजेस नहीं, वो लोगों को पोजेस करता है, कर सकता है, जैसा कि हमने देखा था इन 2011 कॉमिक बुक कार्नेज यूएसए में। वहाँ में हमने देखा था कि कार्नेज ने एक पूरे टाउन को अपने सिम्बियोट सिबलिंग से बॉन्ड करके अपने कंट्रोल में लाया था, और वो अगर हुआ एक बैटल में वेनम के अगेंस्ट तो वेनम को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा फाइट करने में। तो ये था दोनों का सिमिलैरिटीज और डिफरेंशिएशन, मैं खुद भी नहीं बोल पा रहा। तो अब बढ़ते हैं हमारी आंसर की तरफ। तो आंसर्स दो है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक स्ट्रेट अप बैटल हुआ विथ नो प्रिपरेशन, किसी भी तैयारी के बिना, तो वहाँ पे कार्नेज विल डेफिनेटली विन बिकॉज ऑफ हिज अनप्रेडिक्टेबल नेचर, लैक ऑफ एम्पैथी एंड डेडली एबिलिटीज, तो इसी वजह से कार्नेज जीत जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे आंसर नंबर टू की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे वेनम जीतता है, वो कैसे, किसी भी नए वेपन को कंस्ट्रक्ट करके या फिर किसी भी नए डिवाइस को यूज़ करके या फिर किसी और सुपर हीरो का मदद लेके, जैसे कि हमने देखा था स्पाइडरमैन का मदद लेके वेनम ने कार्नेज को हराने का कोशिश की और हराया भी था, पर एक हेल्प लेके। वो क्यों? क्योंकि वेनम के अंदर कुछ मोरल बाउंड्रीज है जो कि कार्नेज के अंदर नहीं है, मतलब वेनम और एडी के अंदर सोचने का गहराई, सोचने का डेप्थ है जो हम कहते हैं, वो मतलब थोड़ा इमोशनल हो सकता है किसी भी बैटल सिचुएशन में, जो कि कार्नेज नहीं होता। कार्नेज के अंदर कोई दिल नहीं है, जस्ट लाइक क्लेटस कैसिडी, कोई दिल नहीं है, उसका काम है सिर्फ मारना। तो यहाँ पे ऐसा अगर बैटल में कोई सिचुएशन हुआ कि मोरली या फिर इमोशनली एडी को इफेक्ट किया कुछ भी, तो वहाँ पे फिर से कार्नेज जीतेगा। तो यहाँ पे भी डिसएडवांटेज है वेनम का। तो क्लियर कट आंसर एक, अगर वेनम ऐसे ही मोरल बाउंड्रीज, ऐसे ही इमोशनल हो जाए या फिर एडी ऐसे इमोशनल हो जाए, तो कार्नेज जीतेगा बिकॉज ऑफ कार्नेज डेडली एबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया, लैक ऑफ एम्पैथी एंड अनप्रेडिक्टेबल नेचर। और नंबर टू, अगर किसी नए डिवाइस या फिर वेपन को वेनम यूज़ करता है या फिर कोई दूसरे सुपर हीरो के साथ वो कार्नेज के अगेंस्ट फाइट करता है, तो वेनम जीतेगा।
तो आज का वीडियो यहाँ तक कि आप भी मेरे बात से कितना सहमत है वो भी लिखिए, कौन जीतेगा विनम या फिर कार्नेज या फिर वो ड्रॉ होगा क्यों विथ रीज़न बता सकते हैं। आपका ओपिनियन शायद मेरे ओपिनियन से ना भी मिले, हो ही सकता है, नो प्रॉब्लम, कमेंट सेक्शन में बिंदास लिखिए, कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से मैंने जो बोला विथ वैलिड पॉइंट्स, मेरे ख्याल से मैं अपने पॉइंट पे ठीक हूँ। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो भी ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कर देना, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है वीडियो बनाने का। तो आज का वीडियो यहाँ तक कि, अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर तो करते ही जाना, एकदम ऐसे रैपिडली शेयर कर देना, और ऐसे ही कमेंट सेक्शन में मुझे हमेशा बताते जाना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।